हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीकली मार्केट मैट्रिक्स बाय ट्रेड यूरा। और हमेशा की तरह हम लोग देखने वाले आने वाले वीक में 28 जून टू 2 जुलाई में मार्केट में क्या हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें किस तरह के मूवमेंट दिखाई दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड जोन्स कौन से हैं। साथ ही साथ हम देखने वाले स्टॉक पिक्स ऑफ द वीक, ऐसे स्टॉक्स जो हमें आने वाले वीक में हाई प्रोबेबिलिटी मूवमेंट एंड ट्रेड्स दे सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हो, एनालिसिस अच्छा लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की क्लोजिंग की। फ्राइडे के दिन ग्लोबल मार्केट्स की जो क्लोजिंग हुई, अगर आप देखेंगे यूएस मार्केट्स ऑलमोस्ट फ्लैट, लेकिन अगर आप देखेंगे नैसडैक को 14,360 मींस एक बहुत अच्छी अपसाइड मूवमेंट के बाद ये क्लोजिंग आई है, मींस एक मार्केट में अच्छे मूवमेंट्स रहे हैं एंड उसके बाद भी फ्लैट क्लोजिंग दी, कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिली है। यूरोपियन मार्केट्स की अगर बात करें तो FTSE डैक्स, देखिए FTSE फ्लैट टू बुलिश क्लोजिंग, CAC ऑलमोस्ट फ्लैट, डैक्स फ्लैट टू बुलिश, SGX निफ्टी एंड एशियन मार्केट्स की अगर ओवरऑल बात करें तो एक बुलिश सेंटीमेंट के साथ क्लोजिंग हुई है। तो ओवरऑल मार्केट ने एक अच्छे स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग दी है, कुछ ज़्यादा वीकनेस देखने को नहीं मिली। और इसके अलावा आने वाले वीक में हम क्या कर सकते हैं उसका एग्जैक्ट प्लान देखने के लिए हम लोग चलते हैं चार्ट में, और फिर हम बात करेंगे कि किस तरह का प्लान हो सकता है। तो आने वाले वीक का जो प्लान है, सबसे पहले चलते हैं निफ्टी में। तो जैसा कि मैंने निफ्टी में लाइव में आपको बताया था राइट, कि निफ्टी अभी देखिए एक जो नया ब्रेकआउट है उस लेवल पर आ चुका है ऑलरेडी। अब क्या ये यहाँ पर ब्रेकआउट देगा या फिर रिवर्स होगा या फिर और क्या पॉसिबिलिटीज है, तो जिस हिसाब से मूवमेंट है हमें लग रहा है कि एक अच्छी स्ट्रेंथ की पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमें यहाँ पर सावधान रहना चाहिए क्योंकि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी है। तो हमारा जो प्लान हो सकता है आने वाले वीक के लिए वो कुछ इस तरह का हो सकता है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड जोन्स, तो हम लोग जनरली हमारी जो इंपॉर्टेंट जोन होता है वहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं और एक अच्छे मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। आपके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड जोन्स हो जाते हैं मैं वो यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट जोन निफ्टी में हो जाता है वो है 15,820 से लेकर 15,900। ओके, तो जो हमारा इम्पोर्टेंट जोन हो जाता है 15,820 से लेकर 15,900, अगर इस जोन का हमें ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर की तरफ हम लोग टारगेट कर सकते हैं 15,980 के लेवल्स एंड 16,080 के लेवल्स। ओके, तो ये है हमारे ऊपर के लेवल्स। ऑन द डाउन साइड अगर प्राइस इस जोन के नीचे काम करता है तो वी कैन लुक फॉर 15,730 लेवल्स एंड 15,640 लेवल्स। तो फ्रेंड्स, ये है प्लान निफ्टी का। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड जोन कौन से हैं के बारे में देखते हैं। तो ये जो एनालिसिस है मैंने प्रॉपरली प्राइस एक्शन सब कुछ लेके करता हूँ, और कुछ लेवल्स निकलते हैं और आपने देखा होगा बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो वो आपसे मैं शेयर करता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड जोन हो जाते हैं वो ये है आपके लिए। मैंने जैसे मैं बताता हूँ, ये जो ब्लू लाइन्स ही एक्सटेंडेड लेवल्स है, जनरली हम वी लुक फॉर दिस वाइट लाइन्स। अगर सेकंड लेवल से भी ब्रेकआउट आता है तो वी लुक फॉर दिस ब्लू लेवल विच इज एक्सटेंडेड लेवल। ओके, तो हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है वो है 35,410। ये हमारा हो गया इम्पॉर्टेंट जोन फॉर बैंक निफ्टी, एंड इस जोन के ऊपर वी कैन वी विल लुक फॉर हायर टारगेट्स ऑफ लाइक 35,630 एंड 35,800। ऑन द डाउन साइड अगर प्राइस इस जोन से नीचे काम करता है तो वी विल लुक फॉर 35,070 एंड 34,860 एरियाज। ओके, तो ये है बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड जोन्स। जो एक्सटेंडेड लेवल है वो आपका नीचे की तरफ आपका 34,640 एंड ऊपर की तरफ जो एक्सटेंडेड लेवल है वो है 36,080। ये है आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड जोन्स। अगर हमारे जो सेकंड लेवल से उससे बाहर प्राइस जाता है तो हम ये ब्लू लेवल्स के लिए देख सकते हैं। हर लेवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो जो फर्स्ट टारगेट अचीव होता है तो थोड़ा प्राइस को वॉच कीजिए। प्राइस एक्शन बेस पर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ही सेकंड लेवल के लिए, सेकंड लेवल ब्रेक होता है प्राइस एक्शन से देन यू कैन गो फॉर थर्ड। ओके, सो दीज आर आवर इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड जोन्स। अब बात करते हैं स्टॉक पिक्स ऑफ द वीक की। तो स्टॉक पिक्स ऑफ द वीक में हमारा सबसे पहला जो स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में एक अच्छा सेटअप बन रहा है और एक टू साइडेड प्लान हम इसमें बना सकते हैं। वैसे स्टॉक बुलिश है और हाई प्रोबेबिलिटी के ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ऑन द सेफर साइड, ताकि हमें अगर नीचे की तरफ भी मिलता है तो हमारे पास प्लान है इसमें। बजाज फाइनेंस में वी कैन प्लान बाइंग अबो 6,115 लेवल विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 6,050 लेवल्स, 6,045 लेवल एक्चुअली, एंड ऊपर के जो टारगेट्स हो सकते हैं वो 6,245 एंड 6,330। ओके, ऑन द डाउन साइड अगर प्राइस हमें 6,030 से नीचे मिलता है तो वी कैन प्लान सेलिंग विद
with a stop loss of 6080 and for the target of 5950 and 5860. यहाँ पर ध्यान रखिए, फर्स्ट टारगेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट्स. वहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो वी कैन लुक फॉर सेकंड टारगेट्स. ओके, तो ये हमारा स्टॉक पिक ऑफ द वीक, फर्स्ट स्टॉक पिक ऑफ द हो गया. सेकंड स्टॉक पिक ऑफ द वीक जो हो जाता है हमारा वो है टाटा स्टील. टाटा स्टील में वी कैन प्लान बाइंग अबो 1171 फॉर द टारगेट ऑफ 1245 विद स्टॉप लॉस ऑफ 1150. एंड जो थर्ड स्टॉक पिक ऑफ द वीक हो जाता है, तो हमारा थर्ड स्टॉक पिक ऑफ द वीक जो हो जाता है वो है ऑरो फार्मा. ऑरो फार्मा में वी कैन प्लान सेलिंग, एंड जो सेल का ट्रेड है वो कुछ इस तरह का है. वी कैन प्लान सेलिंग बिलो 945 फॉर द टारगेट ऑफ अराउंड 900. ओके, सो अराउंड 900 जब बोल रहा हूँ तो 2-3 रुपए को देखना एक्जैक्टली 901, 902 यहाँ तक भी आए तो वी कैन यू नो क्लोज द ट्रेड. तो वी आर लुकिंग फॉर 901 लेवल एक्चुअली. सो वी कैन सेल बिलो 945 विद स्टॉप लॉस 961 फॉर द टारगेट ऑफ 901. वी हैव का स्टॉक पिक नंबर 3 ऑरो फार्मा. तो गाइज ये है आने वाले वीक का प्लान. आई होप आपको एनालिसिस पसंद आ रहा हो. अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच. इसी तरह बने रहिए ट्रेडवर्क के साथ और वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.